दोस्तों, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपनी और हमारे इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि BNMU मंडल यूनिवर्सिटी जो है, भूपेन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो कि मधेपुरा में है, उसमें जो मूल प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र का जो अब ऑनलाइन अप्लाई करने का सिस्टम दे दिया गया है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट कीजिएगा तब आपको मूल प्रमाण पत्र मिलेगा। पीजी हो, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या एमए वगैरह हो तो आप निकाल सकते हैं, मतलब ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो कैसे क्या करना है उसके बारे में वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। उससे पहले मैं आपसे बता दूं, आप चैनल यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा जीशान मॉनिटर और आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि हमारी आपकी चैनल है। यहाँ मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, जैसे बिहार राशन कार्ड में सुधार करना, नाम जोड़ना, बिहार राशन कार्ड कैसे बनाएं, कैसे बिहार राशन कार्ड डाउनलोड करें, उसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना दिया। और CSC सेंटर कैसे लें, CSC इकोनॉमिक्स ID कार्ड कैसे डाउनलोड करें। इस चैनल में आपके लिए सरकारी जॉब, स्कॉलरशिप और बिजनेस के संबंधित जो भी होता है, सभी प्रकार के मैं वीडियो आप तक पहुँचाते रहता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप को कोई वीडियो मिस ना हो। यहाँ मैंने भी बताया बिहार में नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में, अगर आप यहाँ पे बिजली बिल कनेक्शन मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपके पास उपभोक्ता संख्या नहीं है तो फिर भी आप बिजली बिल निकाल सकते हैं। और मैं बिजली बिल जमा करना, निकासी जमा करना भी मैंने आपको बताया था, चेक करना किस तरह जमा कर से बिजली बिल किस तरह चेक करते वो भी मैंने बताया था वीडियो में। तो यहाँ वीडियो लिस्ट में आप देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया है, ठीक है, आपको या सर्च कर लीजिएगा गूगल पे BNMU UMIS.in। तो जैसे आप सर्च करेंगे इस वेबसाइट पर चलेंगे, मैं वेबसाइट को फिर से बोल देता हूँ और नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आपको गूगल में सर्च करना है BNMU UMIS, उसके बाद .in, ये आप सर्च करेंगे इस वेबसाइट पर चलेंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद नीचे कुछ इस तरह के सेंटर पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऑनलाइन सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पोर्टल, यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पोर्टल, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट पोर्टल पे। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा और रिक्वेस्ट पोर्टल पे लेकर आपको चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चले और यहाँ पे कह रहा है सर, तो 2015 या उसके बाद BNMU मधेपुरा से उत्तीर्ण विद्यार्थी मूल प्रमाण पत्र UG पोस्ट ग्रेजुएट या PG या PhD प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपका 2015 में फाइनल हुआ या 16 में, 15 के बाद कभी भी आपका UG या पोस्ट ग्रेजुएट या PhD फाइनल हुआ है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें हर दिन प्रतिदिन मात्र 25 विद्यार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाएगा, हर रोज 25 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे इसके लिए। तो 2015 में अगर आपका फाइनल हुआ है तो कर सकते हैं, या 16 में हुआ या 17 या 18 19 20 15 तक में अगर कंप्लीट हुआ आपका फाइनल तो आप ऑनलाइन मूल प्रमाण पत्र के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, उसके बाद यहाँ फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन कर दिए और ID रजिस्ट्रेशन आज ID भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगॉट कर सकते हैं। तो चलिए नंबर वन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। नंबर वन में क्लिक है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पे क्लिक करने में यहाँ पे कैंडिडेट का नाम देना, जो कि इंग्लिश में नाम दे, जो भी कैंडिडेट का नाम हो वो इंग्लिश में यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है। कैंडिडेट का इंग्लिश में नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में नाम देंगे। हिंदी में नाम लिखने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जो कि गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है, हिंदी ट्रांसलेट करने का, गूगल इनपुट टूल, ठीक है। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आपको दिक्कत न करना पड़े। तो यहाँ इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिला, लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो भी नाम आप इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे तरह व्हाट्सएप पे लिखते हैं उस तरह आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में जैसे लिखेंगे ये व्हाट्स कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी में लिखा वो इंग्लिश में मैंने लिखा तो हिंदी में कन्वर्ट हो चुका। आप कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे,
मैंने इंग्लिश में लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे हिंदी जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह फादर नाम इंग्लिश में लिखेंगे और वहाँ पे हिंदी में लिख के कॉपी करके लाके इसमें डेट इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर करना सिलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका रिलीजन पूछ रहा है, यानी आप कौन से धर्म से हैं, तो हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, तो मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे, जो भी सभी धर्म यहाँ दिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। उसके लिए सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ईयर होगा, तो यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे पहले। ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये मेरा एक मार्कशीट है, जो कि फाइनल ईयर का मार्कशीट है, BCA का मार्कशीट है। तो ये मार्कशीट है, मार्कशीट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर, ठीक है। यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर मिलेगा, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर हो गया, इसी को आपको फिलअप करना है अप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर मिल रहा है, इसको आपको फिलअप करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है, कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस आपको देना जरूरी है, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस देना जरूरी है। सभी इसमें जितने भी बॉक्स जितने भी कॉलम है सभी को भरना अनिवार्य, क्योंकि सभी में स्टार लगा हुआ, तो मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य है और ईमेल एड्रेस भी देना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन डेट डिटेल, तो यहाँ पे आपका दसवीं का जो रोल नंबर होगा, दसवीं का रोल नंबर आप देख लीजिएगा, मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा। दसवीं का रोल नंबर देना है, दसवीं का मार्कशीट नंबर देना है, और दसवीं आप किस साल पास किए वो आपको यहाँ से दे देना है, ठीक है। तो ये दसवीं का डिटेल भी आप दे देंगे, ये सारा चीज़ मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे, मैंने सारा चीज़ को डिटेल को इंटर कर चुका हूँ, और जो भी मेरी जानकारी थी उसको मैं हाइड भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अपने सारी जानकारी को यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर बटन में क्लिक करते हैं। ये रजिस्टर बटन पे आपको दिख रहा पा रहे हैं, इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करें, चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कम्प्लीट सक्सेसफुली, किंडली नोट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे मैंने नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, तो क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सर्वर एरर हो गया, फिर से हम इसको ओपन। उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे एक एरर आ चुका, तो हम फिर से बैक चले जाते वेबसाइट पे, तो वहाँ पे हमको एरर दिखा दिया था, तो हम फिर से वेबसाइट पे चले आए हैं। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे दो नंबर मिल रहा है, फॉर लॉगिन यूजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लॉगिन कीजिए, तो लॉगिन करने के लिए दो नंबर वाले पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करें भी क्लिक करूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है जो हमें मिला था, और यहाँ पे जो हमारे डेट ऑफ बर्थ उसको हमें इंटर करेंगे, चलिए इंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर कर चुका, आप सिंपली से यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करें, चलिए लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जब लॉगिन हो चुका, ये देखिए हमारा लॉगिन है, और यहाँ पे लॉगआउट का भी एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर ईयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मूल प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको तीन स्टेप फॉलो करने होंगे, कितने स्टेप, तीन स्टेप। सबसे पहले स्टेप है अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा, प्रोफाइल डिटेल देना होगा, दूसरी बार एड्रेस को डिटेल देना होगा, एड्रेस को अपडेट करना होगा, उसके बाद तीन नंबर में न्यू डिग्री रिक्वेस्ट करना होगा। तो ये तीन स्टेप फॉलो करना होगा, जब तक तीन स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुली अपडेट रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते मूल प्रमाण पत्र के लिए। और यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रोफाइल एड्रेस डिटेल न्यू डिग्री रिक्वेस्ट, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस प्रोफाइल को कंफर्म कर लेते हैं, प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो ये वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका, वही डिटेल यहाँ पे, इसके अलावा कोई चीज यहाँ पे न्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली से अब बैक आ जाना है। तो आपने देख लिया प्रोफाइल में जो रजिस्ट्रेशन डिटेल आप डाले थे वही शो कर रहा है, उसके लिए न्यू कॉलम कुछ नहीं, इसके लिए इसको आप छोड़ सकते नहीं, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं अगर डिटेल में कुछ गलती हो गई है तो, ठीक है। इसी भी क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। उसके एड्रेस डिटेल भी क्लिक करेंगे, उसके बाद एड्रेस डिटेल भी यहाँ पे आपको एड्रेस देना होगा, फुल एड्रेस इसमें देना होगा, जो भी आपका फुल एड्रेस वो देंगे, और यहाँ भी मोबाइल नंबर देंगे है तो दे सकते हैं, और फोन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है फोन नंबर भरना। और यहाँ मोबाइल नंबर जो आपने दिया तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा,
एड्रेस भर दीजिए, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक दिया रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा, फ़ोन नंबर का ज़रूरी नहीं, फ़ोन नंबर खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए अपना स्टेट, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। उसके बाद आप अपने पिता का या गार्जियन का मोबाइल नंबर इसमें देना होगा, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस शो कर जाए। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद यहाँ पर जो आपका पिन कोड वो आपको फिलअप करना होगा। चलिए ये फटाफट हम फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पूरी डिटेल अपडेट कर चुका हूँ, उसके बाद इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली दिखा रहा है, ओके कर देंगे। तो मैंने प्रोफाइल अपडेट कर चुका हूँ, एड्रेस भी अपडेट कर चुका हूँ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है न्यू डिग्री रिक्वेस्ट, ठीक है। आप ऊपर से भी ऊपर में भी एक ही ऑप्शन दिया गया है, सेम ही है। आप कहीं पर एक जगह पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ भी क्लिक करना क्लिक कीजिए उस पर। न्यू डिग्री रिक्वेस्ट पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद कुछ इस तरह का एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, जो भी कॉलेज आपका, जिस कॉलेज से आपने ये किया होगा ग्रेजुएट या जो भी किया है आपने यूजी या पीजी या पीएचडी, किस कॉलेज से किया वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे जिस कॉलेज से आपने यूजी या पीजी या पीएचडी किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री यानी क्या आप किए हैं, यूजी किए हैं या पीएचडी किए या पीजी किए, जो भी किए। तो मैं यूजी इस कैंडिडेट का है तो अंडर ग्रेजुएट में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यूजी में आप कौन सा कोर्स किए हैं, बीए बीबीए बीसीए, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बीसीए में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बीसीए का रोल नंबर और ईयर देना, आपको बीसीए का मार्कशीट में आपका रोल नंबर और ईयर लिखा रहता है, तो मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर ईयर दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, किस साल आपका कंप्लीट हुआ, आप किस साल पास किए हैं, तो यहाँ पे पासिंग ईयर जो भी है पासिंग ईयर में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कह रहा है रिजल्ट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में पूछ रहा है आप क्या हुए थे उस एग्जाम में, पास हुए थे, फेल हुए थे, एबसेंट हुए थे, जो भी हुए थे, तो यहाँ पास इस कैंडिडेट को पास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिसीव मोड में यानी कि आप ये जो आवेदन है किस तरह लेंगे, आप जाके कॉलेज में लेंगे या बाय पोस्ट लेंगे, तो यहाँ पे बाय पोस्ट का ऑप्शन एक ही ऑप्शन अभी शो कर रहा है, तो बाय पोस्ट ये आपको डाक के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब फिलअप कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं सारा चीज फिलअप कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, सेव बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल दिखा रहा है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे दिख लीजिए जितने भी बॉक्स में ये स्टार लगा हुआ नीचे में स्टार, ये सबको अपलोड करना जरूरी है। आईडी प्रूफ अपलोड करना जरूरी है, जो कि आप जेपीजी फाइल में कर सकते हैं। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं, ये सब जरूरी है। सिग्नेचर भी जरूरी है। उसके फाइनल ईयर का सेमेस्टर, फाइनल जो ईयर था, फाइनल सेमेस्टर था, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। फाइनल ईयर या सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको अपलोड करना है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होगा वो आप अपलोड कर देंगे, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होगा वो आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो अपलोड कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड कर दीजिएगा, फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड, सिग्नेचर, फोटो, आईडी प्रूफ, ठीक है। इतना चीज़ फिलअप करने, अपलोड करने के बाद, जो कि सभी जेपीजी में होना चाहिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। वीडियो को देखिएगा अच्छे से, आराम से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब आप फिलअप कर लीजिए, सब अपलोड कर लीजिएगा। तो अब मैंने अपलोड कर, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फिर से होम पे आना, होम पे आएंगे तो आपका डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगा, और यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ डिग्री पेंडिंग में एक आपको शो कर रहा है, जो अभी मैंने रिक्वेस्ट डाला है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म नंबर मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अमाउंट यहाँ पे जीरो रुपया भी दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट पेमेंट करना होगा। जैसा कि मैंने बात किया बीएनयू के सपोर्ट केयर से, तो उन्होंने बताया कि 200 रुपये पेमेंट करना होगा। यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट डेट जो है 2 तारीख, मैंने आज किया तो आज का दिखा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको दिखा देगा, लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन जो आपको मिला है यहाँ से, इस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा, जो कि 200 रुपये करना होगा। जिसे पे नाउ पे क्लिक करें, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आप इंडिया से बाहर लेना चाहते हैं या इंडिया के अंदर, इंडिया से अंदर लेना चाहते हैं,
तो विथ इन इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, इंडिया से बाहर अदर कंट्री मिलेंगे तो आपको वो सेलेक्ट करके उसके लिए अलग से ₹200 देना होगा, ठीक है। तो अगर दोनों जगह पे तो नहीं ले सकते हैं, इंडिया में लेंगे ₹200 लगेगा और इंडिया से बाहर लेंगे तो 2000 लगेगा, ठीक है। तो मैं इंडिया में लेना चाहता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू बटन भी क्लिक कर देंगे, मतलब सर्टिफिकेट कहाँ लेना चाहिए तो वो पूछ रहा है, इंडिया में या इंडिया से बाहर। तो कंटिन्यू करेंगे, देखिए प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल, मैंने आपको पहले बता दिया, पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके बाद पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे, तो फिर से होम पे चले आएंगे। चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे होम पे आना, होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू डिग्री पे क्लिक नहीं करना, ना ही न्यू डिग्री रिक्वेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, जो दोनों जगह पे आपको क्लिक नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला व्यू डिटेल, इस व्यू डिटेल वाले पे क्लिक करेंगे तभी आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए, तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक मिला अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करेंगे तब आपको ये अपलोड का मिल जाएगा। जब तक आप इस फॉलो जिस तरह मैंने बताया जहां पे जाके क्लिक करना है वहां पे जाके करेंगे क्लिक, तभी ये आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, अलग से करेंगे वहां पे रिक्वेस्ट वाले पे जाके करेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से बताने की कोशिश किया, तो मेरे पास अभी जो ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा पेमेंट को तो कर देना, आपको मालूम होगा पेमेंट किस तरह करते हैं, क्योंकि जिस तरह अदर वेबसाइट में अदर कहीं पे आप पेमेंट करते होंगे उसी तरह सेम पेमेंट लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे ये नहीं दिया गया, मतलब कि ये यहाँ पे दिया किंडली अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर इन जेपीजी, जेपीजी में आपको अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर, ठीक है। और ये सब नहीं दिया डॉक्यूमेंट किस में अपलोड करना है, तो आप देख लीजिएगा पीडीएम में ले ले तो पीडीएम में, नहीं तो आप जेपीजी में कर दीजिएगा, ठीक है। जब ये सब हो जाएगा, जब आप अपलोड कर देंगे तो पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद कब मिलेगा, तो एक महीने के अंदर आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट यानी कि डाकिया के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा एक महीने के अंदर ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके घर पर जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यही था एक पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन कोशिश मैंने किया हूँ एक ही वीडियो में पूरी चीज विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। किसी भी तरह के आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट के द्वारा भी आपको सोल्यूशन दे दूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पे भी हमसे चैटिंग करें, हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए 24 घंटा उपलब्ध है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आप समझ गए हैं ना, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेन ओ पे क्लिक करके पेमेंट ₹200 कर देना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।